खुलता ना उसका बंदर ये वाला हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ चुके हैं माता के पावागढ़ वाली माता के आ चुके हैं और इतनी भीड़ हो रही है कि धूप के अंदर अनाया का फेस जल गया और अनाया को मैंने पता है वहाँ छोड़ दिया कि लाइन से हटो और आप दोनों बाहर जाके खड़े हो, मैं लाइन में चलती हूँ। इतनी भीड़ हो रही है और ये दिया अभी खाने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले भी हम आए थे तब ऐसा नहीं हुआ था, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। जब से मोदी जी आए ना तब से मोदी जी आए तब से नहीं हो रहा है। मोदी जी क्या करेंगे इसमें, उद्घाटन किया ना तभी से। हाँ, उद्घाटन करने के बाद के पब्लिक को पता चल गया ना कि भाई ये कोई पहले से यहाँ पे लोग घूमने आते हैं इस वजह से। देखा बच्चा मंकी, देखा धूप के अंदर परेशान हो गई मेरी बेटी तो। इस लाइन में आके थोड़ा हमें शांति मिलेगी क्योंकि इतनी धूप में लग रहे थे ना, बहुत धूप हो रही थी और धूप की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। चलो क्यों नया को देखो, बहुत थक चुके यार रियलिटी में, थक गए ना अनाया, गोदी 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 को वहाँ जाना है। तब नहीं लगाई थी चक्री, हम लोगों को वहाँ जाना है, वो डन कटोरे चल रहे ना, डन कटोरे के लिए रेडी। बहुत थक गया आज तो, घंटे लाइन में हो गए और अभी तो और पता नहीं कब माता के दर्शन होंगे हमारे, बहुत थक चुके हैं आज हम। अभी तो आधा भी नहीं हुआ। क्या हुआ बाबू, आधा भी नहीं हुआ अभी तो। सुन लो इनकी बात, अभी आधा भी नहीं हुआ है, अभी आधे से भी ज्यादा बाकी है, अभी बच्चों के ट्वाइस है। डन कटोरा में ये देखो आरती भी लग रही है और ये घुस गए, चेकिंग लिया है, आप चलते हैं आगे। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह का चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक आना है देखो, कोल्ड ड्रिंक देखते ही हटना बेटा, एक्सक्यूज मी, नहीं आप मत देना, मेरे पास चिप्स रखा है ऑलरेडी। चेक हो चुके हैं हमारे, 150 रुपए का एक टिकट, 500 रुपए में देखा ना आपने, 200 रुपए वापस मिले। अब देखते हैं आगे कितनी भीड़ रहती है। देखो कैसे मेरे ग्रस लगे हुए हैं, इनको हम पार करके यहाँ आ चुके हैं और अभी यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लगने वाला है, देख सकते हो आप पीछे। उड़न कटोरे के पास में और ये देखो आप कितनी पब्लिक है, ओ माय गॉड, सर्दी में भी इतनी गर्मी हो रही है ना, स्वेटर उतारने का मन कर। ये नीचे पॉपकॉर्न है, नीचे लोगे ये आ गया उड़न कटोरा, रोक दे हट गया, बीओबी का नाम हट गया। आपको पहले भी वीडियो सेंड की थी, आप सेकंड वीडियो हमारी आने वाली है तो चलो।
मस्त लग रहा है ना, पीछे का देखना बिल्कुल कितने ऊपर आ गए हम। ए अनाया कहाँ गया बच्चा, देख कितना कितना सुंदर है ना, ऊपर ऊपर आ गया। ओ कितना अच्छा है, धूप आ रही है ना इस वजह से नहीं ढंग से दिख नहीं रहा। आज देखो कितना मस्त लग रहा है, देखो ना दीपू के साथ आए थे ना, मैं बीच में रुक गया था, पता है आपको डर लग रहा था, कुछ भी काम चल रहा था, देखो कितने ऊपर आ चुके हैं। कहाँ देख रहे हो, कहाँ गए आप, कुछ तो बोलो। पापा की गोद में बैठे रहे मस्त, इतना शॉक हो रही है कि हम कहाँ थोड़े से देखे जा रही है, कंटिन्यू टुक टुक सिसी को देखे जा रही है, कितना शॉक हो गया मेरा बच्चा। बोले बाबू कहाँ गया, कहाँ गया मेरा लल्ला, अरे ये तो बार बार नीचे देख रहे, चौथी बार आ चुके फिर भी ये देखे जा रहे हैं, है ना। मैं तीसरी बार आई हूँ आज, चौथी टाइम आ गई। निकलते देखो मेरे बाल कितने गंदे हो गए ना, हम बाइक से आए थे ना तो इसलिए मेरे बाल इतने गंदे हो गए, मैं कॉम्ब भी नहीं लेके आई आज। और उड़न का डर से देखो मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, निकलते ही हम बाहर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्वेटर पहन के आए फिर कितनी गर्मी लग रही है, क्या कर यहाँ लग रहा है मेला। और आ गए अब हम फाइनली यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे आए, अभी तो थर्ड पे अभी माता के ऊपर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। ये मार्केट मेरा ना को देखो, गोदी में से नीचे नहीं उतर रही आज गोदी गोदी। और पता है मैं हर बार आती हूँ ना तो कहाँ खाना खाती हूँ, वहीं जाके आज हम खाना खाएंगे, पहले खाना खाएंगे ना, तो पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद ही हम जाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, टाइम भी बहुत हो चुका है, मानोगे नहीं यार ढाई दो ढाई के बीच में हो चुका है, 12 बजे से लग रहे हैं, अब जाके यहाँ पहुँचे। हमेशा की तरह हमारी फेवरेट जगह है जहाँ हम घर से खाना लेके आते और यहाँ आके खाते, तो आज भी हम यहीं आके खाना खाएंगे, पहले की तरह हमारी फेवरेट जगह है। यहाँ पे क्या है थोड़ी छाया सी रहती है, बना हुआ है तो सब लोग यहाँ पे ही खाते हैं, तो हमने सोचा है हम भी यहाँ पे ही खाते हैं। हर बार मैं तीसरी बार आई हूँ आज, तो आज भी मैं यहीं खाऊँगी खाना, खाना मैं घर से बना के लाती हूँ जल्दी उठ के, तो आज भी हम यहीं खाना खाएँगे। इस अनाया को देखो, उसने बताया अभी शूज़ गिरा दिया था, मिस्टर है के शूज़ लेने वहाँ तक गए, हमेशा शूज़ गिरा देती है, कोल्ड ड्रिंक की दास है, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ गए। ये हम करेंगे लंच यहाँ बैठ के, मिस्टर है के यू आर हैप्पी, थक गए आप तो, बहुत सैड हो गए आज तो, क्यों गए बेचारे इतने थक गए धूप के अंदर, तो और साथ में ना तपाने वाला कौन है, इनकी बेटी लाडली जो कभी शूज गिरा देती है वापस दौड़ाती है अपने पापा को, के को हमेशा दौड़ाने में रहती है। ये इनकी लाडली बेटी है ना, देखो किधर मुंह करके बैठी है ना, देखो नमकीन खाई गया अभी, और हमने सुबह से घर से खाना बना के लाई थी, गोभी की सब्जी और पूड़ी और नमकीन, तो अभी खाना खाते हैं हम। मिस्टर के तो खाना भी स्टार्ट कर दिया, भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली। कितने का हो गया, 50 वाले निकाले, 50 वाली चुनरी ले रहे। ये भाई माता जी की चुन्नी देखो 50 रुपये वाली, आंटी बहुत मालूम है, आंटी बहुत महंगी नहीं है आंटी, महंगा तो दे डूंगर पर तो ऐसा ही लगेगा तुमको महंगा है। देखो आपने इतने से फूल मखाने दिए, कितने के दिए ये 20 का है, देखो इतने से फूल मखाने नीचे से लाते हैं, कितने की है 120 100 रुपये हुआ ना, 100 रुपये तो हुए, अरे सिंदूर तो डालो, अधूरा काम थोड़ी ना डालते हैं, माता के सिंदूर नहीं डालोगे, अधूरा काम करो, छोटी डालेगी अब आंटी, देखो दाम 100 रुपए ले लिया,
110 और दिया छोटा सा, ले लिए भाई प्रसाद माता को। कितना मार्केट है, अभी खाना खा के आ चुके हैं और अब बराबर चलना है, ऊपर जाना है तो बराबर चलना है। देखो कितना मार्केट है ना यहाँ पे, बहुत मार्केट है। तो प्रसाद भी हम लोगों ने ले लिया है, अब चलते हैं आगे, चलते जाते हैं। बहुत थक चुके हैं ना, थक गए इसकी। देखो कैसे दुकान है, कुछ भी ले सकते हो। दुकान में से लोग बैठे हैं और हम लोग भी घूमने जा रहे हैं। तो और उसको पापा को देखो, आएगा उसके पापा को देखो, लगेज तो मेरे पास है, दोनों बाप बेटी मस्त से पैदल पैदल आ, मजा आ रहा है ना इन दोनों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टिफिन है आपके, स्वेटर भी है, टिफिन में खाना भी है। मंदिर आ गया कैसे, जैकेट मेरी है, अनाया की है और आपकी है, तीनों की है। आपने कैसे बोल दिया, हाँ आपने कैसे बोल दिया कि खाली बैग में टिफिन ही है, जैकेट है, लगेज तो लगेज ही होता है ना यार। देख सकते हो आप इतना बड़ा बैग हो रहा है पीछे और पसीने आ रहा है बैंकर वाले, फिर भी कह रहे हैं कि है ना, क्या बोलते हैं कि एक जैकेट ही और खाली टिफिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आ गए माता रानी का गेट, अब हमें चढ़नी पड़ेगी सीढ़ियाँ, स्लीपर हमने उतार दी है और अभी हम चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। चलो आ जाओ, क्या बनाया को लेके चढ़ेंगे सीढ़ियों पे, और थोड़ी थोड़ी देर मुझे भी लेना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत थक जाएंगे। कहाँ गए पता नहीं, किधर गायब हो जाते हैं। देखो ऊपर देख रहे हैं तो कितनी धूप हो रही है, धूप में अभी तो अच्छा है सॉक्स पहन के आए, अदरवाइज पैर तो बहुत ज़्यादा जलते। अभी ऊपर चढ़ना है कम्प्लीटली, चलते जा चलते जा। सांस आने लग गई, पर नीचे थोड़ी सीढ़ी चढ़ी है उसमें भी ऐसे आने लग गई। इनकी हालत देखना बुरी हो जाएगी, बिकॉज गोदी में अनाया को लेके बैठे। मैं चलती जा रही है ना, सांस आने लग गई ऊपर नीचे। देखो अभी दिखाते हैं आपको पीछे, आते टाइम आपको दिखाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा व्यू। चढ़ चुके हैं अब ऊपर, ऊपर से आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत मस्त आ रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर आ चुके हैं। वैसे फाइनली हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, बट आपको व्यू दिखाऊंगी कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। बहुत थक गए, बीच में हमने रेस्ट भी कर लिया 5 मिनट, तो थोड़ा लेट हो गए। अब फिर स्टार्ट हो गई हमारी यात्रा माता रानी। देख सकते हो आप कैसे सांस आ रहा है, सुन सकते हो सॉरी। ये देखो कैसे थक गए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि ऐसे नहीं थकते बट धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी वाली जून वाली जो राजस्थान में होती है ना, रेनबो वाली धूप हो रही है। सनलाइट से इतना भयंकर आ रहा है ना, एकदम फेस पे आ जा रहा है, वो तो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सनलाइट्स आ रहे हैं आ गए। बट यहाँ पे भी बहुत लाइन लग रही है, वो आपको दिख रहा है जो माता का मंदिर है, और यहाँ पे भी लाइट लग रही है, जो लाइन लगी जा रही है, लाइन में लगना ज़रूरी है नहीं तो दर्शन ही नहीं होंगे। ये देखो कहाँ जा रहे हैं आगे, Thank you.
इतना ऊपर आ गए हाँ, कैसा सुंदर सा दिख रहा है व्यू, मस्त। वो देखो पानी भी दिख रहा है वहाँ पे, और इसका व्यू देखो कितने ऊपर आ चुके हैं हम। चंगे नागे मिस्टर के, अरे हम इतने ऊपर आ चुके हैं मिस्टर के, कितने ऊपर आ चुके हैं आप बोलो तो सही। नीचे का नजारा देखो पता लग जाएगा। दिखा तो दिया कितना आपको, अनाया कहाँ गया बच्चा, देखो कितना ऊपर आ चुके हैं और ऊपर, और ये पीछे पैदल वाला रास्ता है मिस्टर के, बताएंगे किधर है पैदल वाला रास्ता। हरे हरे पर्दे लग रहे हैं जो नीचे का पैदल का रास्ता, और हम आया रोपवे से तो आप लोगों को पता ही है, वीडियो में दिखेगा। और ये ऊपर पूरा मंदिर आपको दिखा देते हैं, पूरा मंदिर है, और जहाँ हम गए थे मंदिर की आपको वीडियो पता ही है, वहाँ से हम एंट्री लिए थे, और अब यहाँ से हम एग्जिट होने वाले हैं, यहाँ से हम एग्जिट होएंगे। हो गया हमारे दर्शन, हो गया, भीड़ बहुत ज़्यादा है बट फिर भी हमारे दर्शन हो चुके हैं अच्छे से, हो गए ना अपने दर्शन। हाँ इधर देख के हो बोलो, हो गए दर्शन, हो गए अच्छे से, हो गए। और गर्मी कितनी लगी क्या, गर्मी कितनी लगी आप बताओ ना, गर्मी बहुत है, पूरा रास्ता झूम करके दिखा दूं तो। अभी एग्जिट होने का रास्ता ये वाला है, यहाँ पे प्रसाद काउंटर है, प्रसाद लेने जाएंगे। अब फोटो सेशन हो चुका है, ये मंदिर हम घूम चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से नीचे, नीचे चलते हैं। नायना बहुत तंग करती है मिस्टर एके को, उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत तंग करती है। रोपवे वाले टिकट थे हाँ। वो वापस तो ना लिए, वापस जाएंगे कैसे बिना टिकट के, हाँ तो वो टिकट वापस भी तो उसमें जाएंगे ना अपन रोपवे में, इसलिए तो मैं आपसे पूछ। अब छाया लग रही है ना, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, गए जब बहुत धूप होती बट अभी थोड़ी देर में धूप आने वाली है, इसलिए छाया सी हो रही है, थोड़ी देर में वापस धूप आने वाली है। ये देखो आ गई हल्की हल्की सी धूप आ गई, वो तो बहुत धीरे आता सर सोच के बेटे को लेके, छाया आ गई तो हम सोचे थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, तो ऊपर से आते टाइम थोड़ा सा यहाँ बैठ के, अपने हिंदुओं में मतलब अपने लोगों में होता है कि जब भी मंदिर जाते हैं तो उसकी वहाँ पे बैठ के आना ज़रूरी होता है, तो 5 मिनट हमने सब यहाँ बैठ जाते हैं, यही जगह बेस्ट है, बाकी फिर बैठने का नहीं है, फिर चलने का ही है, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं छाया में आके बैठ गए। और ये नया तो देखो मिस्टर के पीछे कैसे चिपक रही है, अना क्या हो गया बेटा, आज ये बहुत ज़्यादा थक गई होगी बिकॉज देखो कैसे हंस रही है, स्वेट पहन के आई है ना, इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गर्मी लगती है इसको मुझसे ज़्यादा लगती है, मुझे तो लगती है मुझसे ज़्यादा गर्मी इसको लगती है, मैं बेटी देखो कैसे मुँह बना रही है, अन्ना अन्ना प्यारी कर दे, अन्ना प्यारी कर दे, अरे वाह फ्लाइंग किस कर दे, हाँ नोजी कहाँ है आपकी, आइस कहाँ है आइस, वेर इज आइस, वेरी गुड, ईयर कहाँ है ईयर, ईयर ईयर वहाँ पे, हेयर कहाँ है आपके, हेयर नोजी, टंग कहाँ है लगी, टंग टंग तो बता देगी, अना जे जे कर दो, जे जे करो, वाह वेरी गुड, अभी कहाँ जाके आए हो आप, जे 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 जाए बच्चा, जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी बोलेगी नहीं, जय माता दी लड्डू बोल, जय बोली थी, वाओ यार माता रानी इसको बोलना सिखा दे, बोली नहीं आ रही, 2 साल की होने वाली है, उस माता की बोली गुड्डू बोलो, जय माता दी, जय माता दी, कैसे आशीर्वाद दे रही है मेरे को, सर पे हाथ रख के, जय माता दी, जय माता दी, ना बोलो जय माता दी, अभी नहीं बोलेगी, जय माता दी बोल देते, मुंह पर आ रही है, देखो चुन्नी लगा रहा है यहाँ पे, ऊपर तो चुन्नी ली नहीं, यहाँ पे लगा रहा, और अभी नारियल यहाँ पे बताते हैं सब, तो यहाँ नारियल बताने की परंपरा है, मिस्टर एके भी बता के आएंगे, अभी वहाँ जाएंगे, अरे गधा आ गया,
उठते कदा आ गया, अरे अपने पास ही आ गया। वो गए पापा नारियल बदाने, ये बदा दिया पापा ने नारियल। मिस्टर एके ने नारियल बदा दिया। कैसा निकला है? सही नहीं, खराब? छोड़ा भाई, वो लग ही रहा था, पानी निकल गया था ना उसका, नारियल सही नहीं निकला, उसका पानी निकल गया था ना, खराब हो गया। पहले दुकान थी ना, वो एक कुछ मांगा था मैंने तो उसने दिया नहीं था मुझे। आ गए नीचे पार्क में, इस पार्क में हमेशा आते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ ना यार, आना आया के लिए अगर ये बैठे तो तुम रिटर्न दे रहे हो जाएगा, तुम दिमाग खराब हो जाएगा यार, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना के लिए। वो कितना अच्छा पार्क है, बट लेट हो गई तो हम यहाँ पे नायक को थोड़ी देर बैठा भी नहीं सकते। इससे ना मिस्टर हो गया ऐसे बोलता है, गाँव की हो क्या जो पापड़ी का लोट खाती हो? तो बताओ गाँव के लोग ही खाते क्या पापड़ी की लोट? यहाँ दूर दूर के लोग आते ना, सब ये खाते हैं। और एक वो केरी 10 रुपए के एक खरीद देते हैं, एक वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक पापड़ी का लोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मिस्टर एके मेरे मजाक बनाते हैं कि गाँव की हो इसलिए पापड़ी का लोट खाती हो। आप भी खाना यहाँ आके, बहुत टेस्टी मिलता है। देखो ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों के बीच मस्त। ये अनाया सो गई, देखो अच्छा भी आ रहा ना मुझे वाला, और बीतीचो करता धीरे धीरे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा धीरे धीरे स्लोली स्लोली अच्छी आवाज़ चल रही है। और चंपानेर का क्या है ना, 5 या 6 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए वहाँ जा अब क्या जाने का कोई मतलब भी नहीं है। उसी का घर ही चाय बहुत टेस्टी बनाई है। हाँ अच्छी बनाई है, चढ़ाओ तो इन आंटी के यहाँ की चाय जरूर पी के जाना, चाय बड़ी टेस्टी बनाती है, 10 रुपए का एक कप है और एक पानी है ना आंटी।
तो हम घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं। घर आते सबसे पहले पता है क्या किया है, मैंने तो खाना खा के मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हमने खाना पता है पाव भाजी है ना बाहर से पैक करा ली थी तो हमने वही खाई और मिस्टर के ने भी खा लिया। नया का खाना बाकी है, अभी बनाया मैंने तो उसको मैं अब खिलाऊँगी, वो अभी फ़ोन चला के गाने सुनने में लग रही है। और खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए और आप देखो तो कपड़े भी चेंज कर लिए और चाय भी बना ली और चाय पी रहे हैं। वो देखो वो भी चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं वो भी। उनको तो सर्दी लग रही है तो ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ गए और चाय पी रहे हैं, बैठे मैं भी चाय पी रही हूँ। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।